सोलन में सर्दी बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की आवश्यकता हर व्यक्ति और हर उम्र के लोगों को पड़ती है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो केवल दो वक्त की रोटी कमाने के अलावा अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्च बड़ी मुश्किल से उठा सकते हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल वर्दी के लिए स्वेटर और जूते खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, ऐसा ही एक मामला सोलन के रवान प्राथमिक स्कूल में पेश आया, जहां स्कूली छात्रों को मदद के लिए शहर के कई लोग सामने आए। स्थानीय निवासी मुकेश गुप्ता के प्रयास के कारण कई लोग आगे आए और स्कूली छात्रों को स्वेटर और जूते बांटे गए। मुकेश गुप्ता ने कहा कि उन्हें मालूम पड़ा कि स्कूली छात्रों को सर्दियों के लिए गर्म कपड़े नहीं है, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों से इस कार्य के लिए अपील की और काफी संख्या में लोगों ने इस नेक कार्य में अपना योगदान दिया। मैडम ने मुझे बताया कि स्कूल के अंदर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सर्दियों के डालने के लिए स्वेटर वगैरह नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पैरों में चप्पल है, जूते नहीं है। मैंने एक छोटी सी जो सुविधा है हमारी सोशल मीडिया, उसका एक इस्तेमाल किया। उस पर मैंने बच्चों के लिए एक अपील डाली कि जो लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो आगे आए। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सोलन जैसे शहर के अंदर से इतने लोग आगे आ गए, जितना कि हमारा सम्मान भी नहीं था। उसके लिए तो मैं अपने सारे सोलन नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं कि हमारे सोलन नगर के जो लोग हैं वो इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं।